एक नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना से पहले खरगोन शहर के बस स्टैंड पर बम निरोधक टीम ने किया मॉक ड्रिल। खरगोन शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में रविवार को उस समय भीड़ जमा हो गई, तब बम निरोधक टीम ने सार्वजनिक जगह बस स्टैंड पर बम से बचने के लिए एक मॉक ड्रिल कार्यक्रम किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बस स्टैंड क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं बम निरोधक टीम के ब्रजेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देश पर 1 नवंबर स्थापना दिवस से पहले खरगोन शहर के सार्वजनिक बस स्टैंड क्षेत्र में बम निरोधक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें बम निरोधक टीम के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जब बम जैसी कोई घटना घटी होती है तो इसमें टीम के द्वारा किस तरह से कार्य किया जाता है, यह सभी कार्यों का मॉक ड्रिल के द्वारा जनता को बताया गया। उक्त दौरान बम स्क्वाड खरगोन एवं पुलिस कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ बम डिफ्यूजन पर्सन भी मौजूद रहे। डिजियाना न्यूज़ निवाड़ रिपोर्ट, खरगोन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।